सो है गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर गाइज आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसमें गाइज जो चैट बॉक्स होता है, चैट इनबॉक्स होता है, उसमें गाइज आप लोग अपना फोटो या फिर कोई सा भी वॉलपेपर जो है कैसे लगा सकते हैं, आज के इस वीडियो पर गाइज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो गाइज काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो गाइज आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि गाइस मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। और गाइस आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों का रिप्लाई 101% दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको अपना इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है, यानी कि इसको आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है अनइंस्टॉल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आपको अभी गाइज इसको जो है आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर जो इंस्टा प्रो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल है। तो इस एप्लीकेशन को गाइज आपको जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो उसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लोग पहले से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद गाइज आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है टेक हेल्पर अंकित, जो कि ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है, तो यही वाला आपको टाइप करना है। जैसे आप लोग टाइप कर देंगे उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गाइज इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो नीचे के साइड में आप देखेंगे, सबसे नीचे के साइड में तो आपको एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद नीचे के साइड में आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लिखा है इंस्टा प्रो V9.15 और .apk, ठीक है, तो इसको आपको जो है अपने फ़ोन में जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएगा, फिर से आपको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग गाइज इंस्टा प्रो एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद गाइज यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक दिया हुआ है, ठीक है, नीचे के साइड में आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर के साइड में देख सकते हैं गाइज आप लोग यहाँ पे लिखा है इंस्टा प्रो सेटिंग्स, तो यहाँ पे गाइज आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो गाइज आपको यहाँ क्लोज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से फिर से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइज लिखा हुआ है चैट स्क्रीन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है चैट स्क्रीन पे। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ऑफ रहेगा, ठीक, कुछ इस तरीके से पहले से ऑफ रहेगा, ठीक है, तो इस पर गाइज आपको फिर से क्लिक करके इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे आप ऑन कर देंगे, ठीक है, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ मैं फोटोज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली से अपने फ़ोन के अंदर से कोई भी आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मानिए यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ठीक है, फिर मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को ये वाला फ़ोटो लगाना था, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका जो है फ़ोटो यहाँ पर सेट हो जाएगा चैट के अंदर। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे गाइज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं किसी के भी चैट में आऊँगा तो देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चैट के अंदर मेरा यहाँ पे फोटो दिख रहा है। आप लोगों को जो मर्जी वो फोटो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा जो है फोटो दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चैट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को जो मर्जी हो आप लोग जो यहाँ पे फोटो को लगा सकते हैं, देख सकते हैं चैट के अंदर। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं गाइज एक और नए कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।